आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। प्रतापगढ़ जिले में नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव का प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं भाजपा से प्रत्याशी रही हरि प्रताप सिंह, सपा से प्रत्याशी रहे संतोष यादव और कांग्रेस से प्रत्याशी रहे गल्ली तिवारी। बसपा प्रत्याशी से सादिक अली चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। 4 मई को नगर पालिका के प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होना है। इस वक्त मैं प्रतापगढ़ में मौजूद हूँ। वहीं निकाय चुनाव को लेकर संक्रांत हो चुका है। वहीं सभी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम भी घोषणा हो चुका है। भाजपा से हरि प्रताप, कांग्रेस से गल्ली तिवारी और सपा से संतोष यादव जी और बसपा से सादिक अली जी, तो सब मैदान में उतर चुके हैं। हमारे बीच स्थानीय लोग मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवलाल गुप्ता। अब की बार किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव वोट देंगे? किस मुद्दे पे लेके चुनाव दें बताइए। क्या मुद्दे क्या रहेंगे? हाँ, क्या मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे रहेंगे, सड़क हमारी अच्छी होनी चाहिए, बिजली हमारी अच्छी होनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और गलियों और ये जो है प्रधान और वगैरह जो हैं उनको थोड़ा टाइट होना चाहिए अपने ग्राम सभा के लिए। ये टाइट नहीं हो पा रहे हैं, बस यही बात है। इसमें मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे होंगे कि बोलो, जैसे गरीब लोग हैं, गरीब तल के लोग हैं, उनको देखा जाए। अभी पूरी तरह से उठे नहीं हैं, अभी सब निचले स्तर के हैं, उनको उठाने में। क्या नाम आपका? क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो रोड बना हुआ है ये अभी पूर्ण रूप से बना नहीं हुआ है, ये इसमें आने जाने की दिक्कत होती है। ये काफ़ी दिन से बन रहा है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, कब होगा ये? तो मुद्दा क्या होगा? यही है कि इसको संपूर्ण रूप से के पूरा किया जाए इसको, इस रोड को। तो क्या कुछ नया चेहरा देखना चाहते हैं, वही पुराने वाला चेहरा फिर से चाहते हैं? नहीं, हम नया देखना चाहते हैं। जब पुराने वाले किए नहीं हैं तो नया आएंगे तभी करेंगे। तो हमारे भी जो स्थानीय लोग विष्णु जी का कहना ये है कि सड़क का भी निर्माण नहीं हुआ है। और आइए, हमारे कुछ बीच में है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम आपका? ऋषभ मिश्रा। तो क्या मुद्दे और किस मुद्दे को लेकर आप? सबसे बड़ी समस्या यहाँ सर जल निकासी और सड़क की है, जो कि अब भूतपूर्व की सरकारों ने यहाँ करवा नहीं पाए। कई बार इस पर बजट पास हुआ मगर वो उस मुद्दों पर उन्होंने ध्यान दिया। अभी आप देख सकते हैं कि यह पीछे ट्रांसफार्मर भी खुला हुआ है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय लोगों को बड़ी परेशानी। हमारे यहाँ 2-2 तालाब हैं सर, वो भी अभी सौंदीकरण में बजट पास हो चुका है, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। तो सर ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है इस समय, जल निकासी, जो बरसातों में पानी भर जाता है, जिस वजह से हम लोगों को बहुत कष्ट होता है सर। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि आधा कार्य तो हो चुका है, जो कि अभी सर आधे अधूरे कार्यों से ही हम लोग परेशानी हैं। हमारे बीच ऋषभ मिश्रा जी का कहना था कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर खुला लगा हुआ है, तालाब की सफाई नहीं हो रही है, जल भराव बराबर हुआ है, कोई निकासी नहीं था। तो इस वक्त निकाय चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं स्थानीय लोग, अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। निकाय चुनाव को करीबन 23 प्रत्याशी भी खड़े हैं। सभी प्रत्याशियों के भाग के फैसले 4 मई को होंगे, यह देखना है किसके सर में ताज चढ़ेगा। प्रतापगढ़ से गणेश राय, प्राइम टीवी। देवरिया नगर पंचायत का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी चुनाव चिन्ह लेकर अखाड़े में जोर शोर के साथ उतर चुके हैं। इसी कड़ी में प्राइम टीवी ने ग्राम सभा तिलई बेलवा के लोगों से उनकी राय जानी। तो जनता ने केवल विकास के मुद्दे पर बात की, वहीं दूसरी तरफ सदर सीट की बात की जाए तो भाजपा से अलका सिंह, सपा से अशोक मदेशिया, बसपा से राम रजा चौहान और निर्दलीय प्रत्याशी शिल्पी मदनवाल चुनावी अखाड़े में अपना दमखम दिखाने उतर चुके हैं। नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी पूरी तरह से मैदान के अखाड़े में उतरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 4 मई को मतदान होना है, 13 मई को किसके सर पर
ताज होगा या देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी चेयरमैन उम्मीदवार अलका सिंह भी चुनावी अखाड़े में खड़ी हैं, जहाँ अशोक मदेसिया भी सपा से टिकट लेकर वो भी चुनावी अखाड़े में खड़े हैं, और बसपा से राजा राम चौहान। अब यह देखना होगा कि किन क्या जनता की क्या राय होगी, किन मुद्दे पर जनता वोट करेगी। यहाँ पर कई दुकानदार हैं, इनसे जानेंगे कि भाई साहब यहाँ पर विकास हुआ है। विकास हुआ है। किसको वोट करेंगे आप? किसको वोट करेंगे? सपा, भाजपा? भाजपा ही पड़ जाएगा। भाजपा वोट जाएगा। भाई साहब का मानना है कि भाजपा पे वोट जाएगा, काफ़ी विकास यहाँ हुआ है। मैं लगातार ग्राउंड जीरो पर आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी दुकानदार हैं, उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दे पे वोट करेंगे। भैया किसको वोट करेंगे? आप यहाँ कितने साल से ठेला लगाते हैं? 3 साल से। विकास हुआ है? नहीं, मेरे को इतना मालूम नहीं हुआ, क्योंकि हम बाहर रहने वाले हैं। जैसा कि लगातार मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी दुकानदार हैं, ठेले कुमचे वाले। भाई साहब किसको वोट करेंगे आप? भैया कैमरे को देख, किसको वोट करेंगे? भैया अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, फिर भी कुछ वर्तमान चेयरमैन ने विकास किया है अलका सिंह, ये अब हम नहीं बता सकते, हम बाहर ही हैं। अरे जनता का मूड ही जानने के लिए हम लोग आए हैं। हाँ समझ रहे हैं। मैं लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। भैया किसको वोट करेंगे आप? अभी कुछ कहा नहीं जा सकते, फिर भी यहाँ विकास हुआ देवरिया जनपद में, शहर में। हाँ, रोड वगैरह सड़कें वगैरह बन रही है। किस पे करेंगे, भाजपा सपा बसपा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता भैया। भाई साहब का मानना है कि विकास तो हुआ है, लेकिन वोट देने में अभी कतरा रहे हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में देखिए छोला भटूरा यहाँ लोग बनाते नजर आ रहे हैं, इनसे भी जानेंगे कि यहाँ क्या विकास हुआ है, किन मुद्दे पर वोट करेंगे। भाई साहब किसको वोट करेंगे आप? सर हम यहाँ के तो है नहीं। भाई साहब यहाँ के नहीं हैं, मैं यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बाबा किसको वोट करेंगे आप? अभी डिसाइड नहीं किया। डिसाइड नहीं किए भैया, किसको वोट करेंगे? कौन विकास? अलका जी को किया जाएगा। अलका सिंह को। हाँ, यहाँ भाजपा चेयरमैन की प्रत्याशी हैं अलका सिंह, उनको वोट देने की बात की जा रही है। भाई साहब किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे आप चेयरमैनी के लिए? यहाँ लोग खाना खाने का आनंद भी ले रहे हैं। लगातार मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ, उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। दादी के वोट करे, एक बार वोट के दे, एक बार वोट चेयरमैन चुनाव की जीती। यहाँ पे लगातार मैं ग्राउंड, यहाँ पर कई दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दे पे वोट करेंगे। लगातार मैं ग्राउंड सेम बात है भैया, कोई भी काट नहीं हुआ, रोड का हालत देख रही खुद ही। क्या आप इस बार बदलाव चाहेंगे? जी जरूर बदलाव चाहते हैं। भैया किसको वोट करेंगे? जो इस वार्ड का विकास करेगा उसी को वोट होगा। देख लीजिए हालत आप, क्या इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। ये मेन मालवीय रोड का रोड है, यहाँ पर मालवीय रोड के दुकानदार व्यवसायी लोग मौजूद हैं, बता रहे हैं कि इस बार बदलाव की जरूरत है। मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मैडम भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दे पे वोट करेंगे। मैम यही सेम सब जो है, क्या इस बार बदलाव? अब वो तो यही लोग बताएंगे। यहाँ पर कुछ लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं लगातार। यहाँ रोड मैं दिखाऊँ, कैमरा मैन से चाहूँगा तस्वीरों में दिखाएं यहाँ की रोड की हालात, लोड की हालात दिखाई है। यहाँ पे एक लोग, एक दुकानदार भाई साहब हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दे पे वोट करेंगे। भाई साहब इस बार क्या मुद्दे रहेंगे वोट के? मुद्दे यही रहेंगे कि हमारा 3 साल में तो आज तक रोड नहीं बना है, अब पता नहीं आगे आने वाले सभासद। शहर की स्थिति क्या है? शहर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। बदलाव चाहते हैं? बहुत बदलाव चाहते हैं। इन भाई साहब का भी मानना है कि इस बार बदलाव की ज़रूरत है। मैं लगातार ग्राउंड जीरो पे आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक भाई साहब और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे। भैया इस बार क्या बदलाव होगा? बदलाव 100% होगा, और यहाँ के सभासद से लेकर अध्यक्ष महोदय सब, मतलब जो कहा जाए वो, मतलब जब शब्दों पे सभी लोग नाराजगी व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग अमित मदनवाल को क्या विकास करेंगे? एकदम विकास करेंगे, 100% करेंगे, धरती जुड़े लोग हैं वो लोग। जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी अमित मदनवाल जी हैं, उन विकास करने की बात लोग बता रहे हैं। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, यहाँ रोड की भी हालत लोग बता रहे हैं। बाबा इस बार किसको वोट करेंगे आप? इस बार बदलाव करेंगे, सड़कें बहुत खराब है और शहर में कोई विकास नहीं। बदलाव होगा इस बार? हाँ 100%। भैया किसको वोट करेंगे?
अभी क्या कहा जाए, अभी देखिए क्या बदलाव चाहिए आपको भी। अभी तो देखिए विकास तो हुआ नहीं है इस बार और इसका खामियाजा भाई भुगत सकते हैं। जनता का मूड यहाँ बदलते हुए नजर आ रहा है। दो वर्ष से वर्तमान चेयरमैन रही अलका सिंह, यहाँ लोग नाराजगी व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपको पल पल की अपडेट देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक दुकानदार भाई साहब है, भाई साहब किसको वोट करेंगे आप? ये सब कहना उचित नहीं है। फिर भी यहाँ विकास हुआ है? हो रहा है विकास जी। भाई साहब का मानना है कि यहाँ विकास भी अभी हो रहा है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं लगातार, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। बाबा यहाँ, बाबा किसको वोट करेंगे आप? यहाँ विकास हुआ है? हम लोग वोट देंगे मोदी जी को, भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट जाएगा? भाजपा ने विकास किया है? विकास किया ना कि मोदी के नाम पर वोट देना है? बाबा का मानना है कि हम मोदी के नाम पे वोट देंगे। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। बाबा किसको वोट करेंगे शहर में? अभी क्या बताया जाए बताइए। फिर भी सपा भाजपा जो किया जाएगा भाजपा। भाई साहब किसको वोट करेंगे आप? भैया मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं लगातार ग्राउंड जीरो पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर अधिकांश लोगों का मानना है कि विकास की जरूरत है। प्राइम टीवी लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। मैं प्राइम टीवी के साथ रवि रावत, देवरिया। नगर संग्राम की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।